नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सागर नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की, और इस घेराव में कार्यकर्ता आवेदन बना के देना। इस आंदोलन का रूप क्या था, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, एक मिनट देखिए, जो आंदोलन जो हुआ है, घेराव हुआ है, इसमें प्रमुख मांग है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके घटक है BLC, उसमें जो अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराइए और दोषियों के खिलाफ FIR कराइए। एक पहले भी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि एक संस्था के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ FIR के आदेश हुए थे, प्रस्ताव पारित हुआ था यहाँ, लेकिन वो फाइल दबा दी गई है, उसको ऊपर लाइए। दूसरी प्रमुख मांग है कि जो DPR बनती है यहाँ पे, DPR का पूरा मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला चल रहा है, तो DPR बनती है और DPR डंप करा दी जाती है, ना काम होता है ना कुछ होता है। कागज का एक बंडल आता है उसमें करोड़ों रुपए की फीस DPR बनाने वालों को पे कर दी जाती है, और वो फीस फिर एक सिस्टम के तहत एक जो कॉकस होता है उसमें पार्ट ली जाती है। तो मेरा एक कहना है कि पिछले 10 साल में जितनी भी DPR बनाई गई है उनकी जाँच करा लीजिए, न्यायिक जाँच करा लीजिए, और जो भी दोषी हो, हम नहीं कहते कि फलाना दोषी है, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करिए, उसको जेल भेजिए, और मैं गारंटी देता हूँ करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा, नहीं तो मुझे जेल भेज दीजिए, मैं दे रहा हूँ ना गारंटी उस भ्रष्टाचार की। जिस तरीके की जानकारियाँ बाहर आई थी, BLC हो या राजीव आवास हो या DPR घोटाला हो, इसमें अब तक प्रशासन, जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी माननीय SDM साहब आए थे, अभी तहसीलदार महोदय खड़े हुए हैं, शायद नए आए हैं, तो आप पत्रकार महोदय इनसे पूछ लीजिए कि ये तो पूरे शहर को मालूम है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं मैं कार्रवाई करा दूंगा, यहाँ पे इतने मोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, आप करोगे आपके या तो ट्रांसफर करा देंगे या फिर आपका उससे पोस्टिंग से दूसरी जगह हटा देंगे। आदरणीय कलेक्टर साहब से तो पूछ लीजिए, वहाँ पे चले जाइए, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, हमारे कैबिनेट मंत्री, दो दो कैबिनेट मंत्री, उनसे तो पूछ लीजिए। तो कुल मिला के ये जाँच भारी प्रशासनिक दबाव में या भारी राजनीतिक दबाव में या भारी पैसे के लेन देन में, तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है कि जो कि ये जाँच दबा दी गई है, और ये जांच अगर सामने आती है तो बहुत से पार्षद, बहुत से अधिकारी, महापौर और महापौर तक इसमें तो सामने आ जाएगा इनका कद क्या और ये किस टाइप के व्यक्ति हैं। डिटॉल घोटाला, फिनाइल घोटाला, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर घोटाला, पानी घोटाला, पाइप घोटाला, और वो डस्टबिन घोटाला, मतलब नगर निगम वर्सेज घोटाला। अगर कर दिया जाता घोटाला जीतेगा, नगर निगम हार जाएगा। कचरा गाड़ी में घोटाला। बताइए आज किस मामले को लेके आपका प्रोटेस्ट हुआ है? आज मुख्य रूप से राजीव आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, उसका एक घटक है BLC, जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते हैं। आप सभी को मालूम है पार्षद से लेके महापौर तक के नाम अवैध लेन देन में और अवैध रूप से राशि स्वीकृत कराने में आए थे, कुछ के FIR के आदेश हुए थे, और BLC वाले में शायद एक फर्म के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ FIR के आदेश हुए थे, पर वो पहले यहाँ पे दबा दी गई है। हम सभी पार्टी के लोग चाहते हैं, ये सागर की आवाज है, सागर चाहता है कि इसकी जांच हो, दोषियों के खिलाफ FIR हो, और जो FIR का प्रस्ताव पड़ा हुआ है उसके सामने लाए और उस फर्म के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ FIR दायर करें। कितने का है और क्या है, कब का मामला है भैया? जब तो समझो, अगर परते खुलेंगी ना तो करोड़ों को ऊपर जाएगा, अरबों में। सुनो धड़न जी, आपका ये आंदोलन क्या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, एक कंटिन्यू आंदोलन है, हम लोग हेट एंड नन वाले नहीं है, हम ना कांग्रेस ना BJP है कि आए मटके फोड़े वाटर कैनन उससे चलवाए अपने अंडरस्टैंडिंग से। हम लोग बैठेंगे, आयुक्त से बात करेंगे, और आयुक्त से बात करने के बाद वो समय देंगे हमें, उस समय सीमा में नहीं होते हैं तो हम फिर से यहाँ पे आएंगे। और DPR घोटाला तो आप सभी लोगों को पता है, एक व्यक्ति सागर का घर बैठे करोड़पति बन गया है,
और अवैध अरे जी से लेकर सभी के नाम उसमें सम्मिलित है, पर यहाँ पे सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। 2% 1.5% कितना मिलता है आप लोग जानते हैं, और 300-400 एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर बनी थी, कुछ पेमेंट हो गया, कहाँ गया डीपीआर? तो डंप हो गई ना, गलिया डीपीआर, तालाब की डीपीआर एक बनी थी, उसके बाद उसने बनाई स्मार्ट सिटी वालों ने, तालाब की डीपीआर यहाँ पे भी बनी थी, उस डीपीआर का जो पेमेंट हुआ कहाँ गया? पूछिए आयुक्त जी से, करंट लगेगा आयुक्त जी को, पूछिए तो सामने आ जाएगा। 2-4 करोड़ तो 5-10 करोड़ वैसे ही भ्रष्टाचार का डीपीआर है पहुंच जाएगा।